फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे, ये जो वैकेंसी निकली है मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय पशुपालन एंड डेयरी विभाग में निकली हुई है। 13 मार्च 2023 को ये नोटिफिकेशन आया था, 2024 को नोटिफिकेशन आया था। यहाँ पे इन्हें बता रखा है भंडारी के पद पर रहेगी, सीधी भर्ती रहेगी। एंड यहाँ पे लिखे कि हिसार की इसी कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, इसलिए आपको इसलिए कैंडिडेट को जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मैप्स की गई है, वहाँ से आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है वैकेंसीज की क्या डिटेलिंग रहेगी, क्या कहने की आपका एडवर्टीजमेंट नंबर लिखा है कि एलिजिबल जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है जिसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर सकते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट यहाँ पे इन्होंने बता रखी है स्टोर कीपर की पोस्ट रहेगी एट रीजनल फोटो स्टेशन हिसार में रहेगी वैकेंसीज जो है, ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की रहेगी। यहाँ पे इन्होंने पोस्ट की डिटेलिंग बता रखी है कौन सी पोस्ट है, उसमें उनका क्या पे स्केल रहेगा, क्या रिक्वायरमेंट का मोड रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने एंड कौन सी कैटेगरी है। स्टोर कीपर की पोस्ट रहेगी जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की नॉन गेस्ट एंड नॉन मिनिस्टर है। पे स्केल आपको जो रहेगा लेवल 4 करेगा, 25,500 से लेकर 81,100 के बीच रहेगा। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के थ्रू रहेगी, एक ही वैकेंसी है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की रहेगी। एज लिमिट इन्होंने बता रखी है 18 से 27 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो क्रूशियल डेट आपकी जो काउंट की जाएगी एप्लीकेशन की, वो आप एज वगैरह के रिगार्डिंग वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने स्पेशली बता रखी है जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th पास की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसके अलावा 1 ईयर के पास आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर्स को हैंडल करने का, और जो उसमें स्टोर में अकाउंट वगैरह है उसको अच्छे से जो भी हैंडल वगैरह करने का किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर ऑटोनोमस बॉडी में या फिर सैचुरेटेड ऑर्गेनाइजेशन में या फिर पब्लिक सेक्टर इसमें अंडरटेकिंग में या किसी यूनिवर्सिटी में या किसी बैंक में। देन यहाँ पे इसमें आपका जो प्रोविजन पीरियड रहेगा 2 ईयर्स का रहेगा। स्टार्टिंग में इन्होंने बता रखा है जो आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो भी डेट्स वगैरह एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में वो एडवर्टीजमेंट की जो लास्ट डेट है तब तक काउंट की जाएगी, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मैंशन करेंगे वो वही होनी चाहिए जो आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर स्कैंड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में वही एक्सेप्ट की जाएगी। इसके सब्सिक्वेंट कोई और रिक्वेस्ट जो है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर स्पेशली बता रखा है अगर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैंडिडेट की उस पर वेरीफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट की वेरीफिकेशन होगी, आपका स्किल प्रोफेशन टेस्ट एंड रिटर्न टेस्ट रहेगा। कैंडिडेट को जब भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अलावा उनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे, इसके साथ साथ उन सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज भी लेके आने होंगे। और जो कैंडिडेट इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा उसे कंप्लीट किया जाएगा, उसे नेक्स्ट प्रोसेस के बुलाया जाएगा जो आपका स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट कुछ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे स्पेशली बता रखा है कैंडिडेट को जो भी आपका रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा उसमें जो मिनिमम परसेंटेज रहेगी वो आपको वहाँ पे सिक्योर करनी होगी। मेरिट लिस्ट इन्होंने बता रखा है जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी जो आप अपने रिटर्न एग्जामिनेशन में अपने मार्क्स वगैरह सिक्योर किए होंगे उसके बेसिस पे तैयार की जाएगी। यहाँ पे इन्होंने वही बता रखा है एडमिशन जो भी है सिलेक्शन प्रोसेस की सब स्टेजेस पे कैंडिडेट का एडमिशन होगा प्रोविजनल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ अगर उनको यहाँ पे किसी टेस्ट वगैरह के लिए बुला लिया गया तो उनकी तो कि भाई हाँ उनकी सिलेक्शन हो गई है, अगर उन्हें किसी भी स्टेज पर लगेगा कि कैंडिडेट जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा तो उनकी कैंडिडेचर को यहाँ पे कैंसिल किया जा सकता है। देन वही बता रखे जो पोस्ट है ये परमानेंट है एंड यहाँ पे जो ये कवर की जाएगी अंडर NPS न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो इसे कवर किया जाएगा, जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक प्लेन पेपर पे अपना कंप्लीट बायोडाटा लिखे जैसे अपना नेम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ एज पर क्रिश्चियन एरिया के अकॉर्डिंग नेशनलिटी रिलीजन कास्ट डिसेबिलिटी होम एड्रेस या एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अपनी पासपोर्ट साइज फोटो फिक्स वगैरह करके जहाँ पे उनका स्पेस देगा उसके साथ आपकी जो डॉक्यूमेंट है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करके आपने सेंड कर देनी है। कैंडिडेट इसके अलावा जो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में सेमी गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनॉमस बॉडी में उन्हें प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना है, और ड्यूली एप्लीकेशन फॉर्म जो इसके साथ दिया हुआ है वो आपने यहाँ पे इन्होंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है। आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है डायरेक्टर रीजनल फोटो स्टेशन पोस्ट ऑफिस टेक्सटाइल मिल हिसार 12501 हरियाणा इस एड्रेस पे पहुँच जाना चाहिए जब आपकी एडवर्टीजमेंट जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश होगी। और आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एनवलप रहेगा उसके ऊपर क्लियरली मैंशन करना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर। अगर आपका एप्लीकेशन ड्यू डेट के बाद आ रहा है या फिर इसमें ईमेल के थ्रू या फैक्स के या किसी अदर मीन से करें उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर लास्ट डेट जो है संडे को सैटरडे को या फिर कोई हॉलीडे को पड़ती है तो जो नेक्स्ट वर्किंग डेट होगा उसे क्रूशियल डेट काउंट किया जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन दे रखा है स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए, यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो फिक्स कर देनी है विद सिग्नेचर के साथ। यहाँ कैंडिडेट ने अपना नेम लिख देना है ब्लॉक लेटर्स में, यहाँ पे उनके फादर का नेम आ जाएगा वो भी आपने ब्लॉक लेटर्स में लिख देना है, यहाँ पे जन्म तिथि आ जाएगी
जो आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में हो वही आपने लिखनी है। नेशनलिटी आ जाएगी कौन सी है, यहाँ रिलीजन आ जाएगा, यहाँ पे कास्ट आ जाएगी कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उसका जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट है वो भी आपने इसके साथ अटैच करना है। यहाँ पे आपका होम एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड एंड मोबाइल नंबर वगैरह वो लिख देना है यहाँ पे। यहाँ पे पत्राचार कोई कम्युनिकेशन के लिए अगर कोई आपका अनदर एड्रेस है कहीं पर आप रह रहे हैं तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है विद आपका फोन एंड ईमेल आईडी के साथ। यहाँ पे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आपके एक्सपीरियंस की डिटेल्स आ जाएगी, यहाँ आप कौन सी डेट का एंड कौन से प्लेस से कर रहे हैं वो आ जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, आप इसको ये अटैच करके इसके साथ आपके जो एड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का प्रूफ रहेगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसका प्रूफ, एंड यहाँ पे रिलीजन का आपकी जो कास्ट का प्रूफ, ये सारे आपने प्रूफ इसके साथ अटैच करने हैं। और यहाँ पे जो ये एड्रेस इन्होंने मेंशन किया हुआ है इस एड्रेस पे आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड कर देना है, ये आपका यहाँ पे एड्रेस रहेगा, आपने इधर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे सेंड कर देना है। तो ये आप करेगा टू द डायरेक्टर रीजनल पोस्ट स्टेशन पोस्ट ऑफिस टेक्सटाइल मिल्स हिसार 12501 हरियाणा, इस एड्रेस पर आपने सेंड कर देना है। एनवलप के ऊपर क्लियरली मैंशन होना चाहिए कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगी, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि टू द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर एट रीजनल फोर्डर स्टेशन हिसार, ये हिसार में वैकेंसीज है, यहाँ पे आप जाके ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। लास्ट डेट इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन है 13 मार्च को यहाँ पे इन्होंने बता के रिलीज़ हुआ था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने 1 मंथ बता रखी है, तो लास्ट डेट इसकी आपकी 1 मंथ 30 डेज जब तक इसके पढ़ते हैं तब तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।